हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल अहरवार है। एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना दिवस है, बट क्या आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1917 में जो पुस्तक लिखी थी, प्रॉब्लम ऑफ रुपीस, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, और दूसरी बुक थी एवोल्यूशन एंड प्रिवेंशन फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, इन दो पुस्तकों के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। लेजिस्लेटिव असेंबली ने आरबीआई एक्ट पास किया 1934 में। लेजिस्लेटिव असेंबली की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्वरूप कौन देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को न्यू स्वरूप दिया, एंड उस समय एक कमीशन आई थी, हिल्टन यंग कमीशन, उनके सामने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आउटलुक दिया। एंड जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिल्टन यंग कमीशन के रूप में भारत आई, तो कमीशन के प्रत्येक सदस्य के हाथों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दो पुस्तकें थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। बट कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लोगों द्वारा नीचे दिखाया गया, और जब भी हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लिया जाता है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि महात्मा गांधी की पिक्चर आपने फोटो नोटों पर देखी होगी। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मोहनदास करमचंद गांधी जी का फाइनेंस में एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में योगदान क्या था, और यदि उनका योगदान नहीं है तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी की फोटो नोटों पर क्यों हो? क्या आप लोग नहीं चाहते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो नोटों पर होनी चाहिए? सच में मानवतावादी हैं तो आप जरूर कहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पिक्चर नोटों पर होनी चाहिए। तो आप लोग क्या समझते हैं? तो यू कैन टेल मी इन ऑन माय वीडियो। एंड आप ये समझते हैं कि दिस यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।